नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गौरव गिरी। बकरी वाले यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है लूसन, जिसे हम मेथी घास, लहसुन घास बोलते हैं, अल्फा अल्फा बोलते हैं, जिसके प्रॉड भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खाए जाते हैं। बहुत ही प्रोटीन रिच जो ग्रास है, जो जिसको किंग ऑफ फूडर्स बोलते हैं, ये है अल्फा अल्फा लूसन। इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे पास सारे प्रकार के फूडर सीड्स मिलते हैं, अल्फा अल्फा, हिड़की लूसन, दशरथ, शेवरी, सुबाबुल, हादगा, शेवगा भी अभी लाया हूँ मैं, एलिफेंट ग्रास भी अभी अवेलेबल है आप हमारे पास, सुब 31 सब है। पूजा मैडम को फ़ोन कीजिए 9405199494 ये नंबर पे, उनसे जानकारी लीजिए, अकाउंट नंबर लीजिए, आपका एड्रेस डालिए और हम आपको बाय पोस्ट घर तक भी आना सीड्स सप्लाई कर देंगे। तो आज का टॉपिक शुरू कर दे। इसे कुछ दशरथ घास के द्वारा प्रोसेस करना पड़ता है क्या? ये जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए 10-20, तो मैं आपको उसके आंसर दे रहा। तो दोस्तों, इसे कुछ ऐसा दशरथ घास के जैसा कुछ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ घास को जर्मिनेशन के लिए आर्द्रता कम लगती, उसे बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी उसे कम लगती है, तो इसीलिए दशरथ को हम गर्म करते हैं। और बाकी इसको ह्यूमिडिटी होना, ये एक्चुअली आता ही ह्यूमिडिटी के साथ, अगर ह्यूमिडिटी ना हो तो ये आता नहीं अच्छे से, इसलिए हम विंटर में इसे लगाते हैं इसे। बाकी सीड्स लेने के लिए प्रोसेस क्या है, आपको सादा पूजा पवार मैडम को 9405199494 या ए नंबर पे फ़ोन करना है या व्हाट्सअप करना है, उनसे अकाउंट नंबर लेना है। स्टेट बैंक का हमारा अकाउंट नंबर आप लीजिए, जो भी रिगार्डिंग पैसे होंगे, जो भी जितने सीड्स होंगे, उनसे बात करके वो जो अमाउंट बोले वो आप अकाउंट पे डाल दीजिए और बाय पोस्ट हम आपको सीड्स भेज देंगे। जैसे आपको पैसे मिलेंगे, इधर हमें मैसेज आया तो आज कल ये 2-3 दिन में डाल के आपको 6 से 7 दिन में, कम से कम 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में आपको घर तक आपके डाक सेवा द्वारा, पोस्ट द्वारा आपको सीड्स मिल जाएगा। बाकी पैसे देने के बाद अगर सीड्स नहीं दिया तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कोई लोग, अच्छी बात है, फार्मर लोग इंक्वायरी क्यूरी करनी चाहिए, डाउट भी शक भी जायज़ है। हम कभी मिले नहीं तो भी इतना यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से इतना हमें प्यार मिलता है, छोटे भाई बड़े भाई समझ के जो भी कुछ हो, तो ये हमने जो मेंटेन किया है आज भी, तो 200-300 रुपये आपके सीट से मिलने वाले, तो 200-300 रुपये के लिए हम फ्रॉड करके बहुत बड़े नहीं बनने वाले और हम अपना नाम भी नहीं खराब करेंगे 200 रुपये के लिए। तो दोस्तों, ऐसा शक मन में मत रखिए, आपको पैसे अगर डाले तो सीड्स ज़रूर मिलेंगे, 101% मिलेंगे। इसकी हाइट कितनी बढ़ती है लूसन की? लूसन की हाइट कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फीट तक बढ़ती है, डिपेंड आपका खाद पानी वगैरह क्या करते कैसा करते वो भी, उसको ज़मीन कैसे होना, लैंड उसको ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होना वैसा ही होना बस। अगर थोड़ा आपका ब्लैक सॉइल हुआ तो आपके लिए अच्छा होगा, जो वाटर उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, पकड़ के रखने का जो उसकी ताकत है वो ज़्यादा होती है। अगर लैंड ऐसा जो मुरुम की तरफ सरकते जाती है, वाइट होती जाती, भूरी बोलते हैं हमारे पास मराठी में, तो वैसे हो जाती है, उसमें पानी आपका नीचे निकल जाता है तो उसको पानी ज़्यादा लगता है, बस इतना ही। बाकी भूरी लैंड में ज़्यादा आपको ये पानी पकड़ के रखने के लिए लेंडी खत, गोबर, मे बी वर्मी कंपोस्ट, गांडूल खत बोलते हैं जिसे, वो भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 3 साल तक फसल रहती है तो इसकी खास तरह से मशागत वगैरह करके ये डालनी पड़ती है। ये भी सेम आप 4 फुट बाय 30 फुट, 50 फुट, कम से कम 50 से 40 फुट तक ही लेंथ रखिए वापे की बेड की, और जो विड्थ है वो 4 फुट 4.5 फुट इनफ हो गए और आपको पानी देने को भी इजी जाएगा। स्प्रिंकलर लगा के भी आप मेथी लूसन जैसे बोलते हैं वो घास को आप पानी दे सकते हो। बाकी ये टाइम आपका सेव होता है जो आपने स्प्रिंकलर लगा लिए, नहीं तो मैन्युअली देना है तो आपको एक आदमी रखना पड़ता है। 10-10 दिन में हम पानी देते हैं, 10-15 दिन में देते हैं, हमारी ब्लैक सॉइल है, कभी कभी 20 दिन भी लगते हैं। विंटर में तो कुछ ज़रूरत, रेनी सीजन में तो कुछ ज़रूरत आती नहीं, मे बी अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो 2-3 बार पानी दिया है हमने भी, तो डिपेंड आपकी ज़मीन कैसी, बाकी कोई मैटर नहीं होगा। आप जितनी उसकी देखभाल अच्छे से करोगे, कंपोस्ट वगैरह डालोगे, गोबर डालोगे तो अच्छा होगा। ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती हो, जैसे कोकण,
रत्नागिरी वगैरह जो कुछ आता है वहाँ पे ये पॉसिबल है दोस्तों, पॉसिबल। दशरथ घास ज़्यादा पॉसिबल क्योंकि दशरथ घास की जो टहनी आती है, जो रूट्स आते हैं वो बड़े आते हैं साइज़ में, उनकी जो विड्थ रहती है एज़ कम्पेयर मेथी घास वो बड़ी आती है, तो वो ज़्यादा सर्वाइवल करते बारिश के एरिया में एक बराबर। तो ये है थोड़ा ज़रा नाजुक आता है, बारिश का पानी अगर कीचड़ हो जावे तो रूट्स से जो उसको फंगस लग जाता है, खराब होते हैं उसमें से, वो मर जाता है, जो उसके जो पत्ते होते हैं मेथी घास के वो पीले पड़ने लगते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 4 फुट के नीचे ज़मीन के नीचे रेती मुरुम खड़ी सैंड कुछ जो वेस्टेज वो डाल के आप जो पानी होता है उसको एक स्लोप देके नीचे निकाल सकते, नीचे पाइप डाल के, तो ये आपको कर सकते ज़्यादा अगर रेनी सीजन हो आपके पास तो। इसमें प्रोटीन कितना होता है दोस्तों, इसमें 18-22% प्रोटीन होता है, और सबसे बेस्ट अगर चारा है तो यही है, क्योंकि आपको 12 ही महीने सेम कटिंग सेम प्रोटीन लेवल और उतना ही जो कुछ चाहिए गाय को भैंस को दूध के लिए, ये आपको रीच करता है आपके मिल्किंग बिजनेस के लिए भी, डेयरी फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लगभग जो फार्मर्स है जिनके पास बैल है घोड़ा है फार्म है हॉर्स फार्म है गोट फार्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% लोग, बोलिए तो 80-85% लोग ये घास लगाते। अल्फा अल्फा बेस्ट क्वालिटी हमारे पास मिलती है 3 साल की, 850 रुपये हम चार्जेस लेते हैं बाय पोस्ट के पैसे पकड़ के, आपको 850 में घर तक आ जाएगा। आप हमें फ़ोन कीजिए 9405-1-9494 पूजा पवार मैडम को, अकाउंट नंबर लीजिए उनसे बात कीजिए, अकाउंट में पैसे डालिए, आपका पता सेंड कीजिए, एड्रेस हम आपको भेज देंगे। इसका पहला कट कब आता है और बाकी रेगुलर कट कितना आता है और कितना दिन तक ये सर्वाइवल करता है, इसका पहला कट आता है दोस्तों जब इसको फूल आता है, जो इसका एक फूल रहता है तो वो फूल आता है लगभग 48 यानी 50-55-60 दिन के अंदर, यानी ये भी एज दशरथ के जैसा ही कट को आता है 2-1 महीने के आसपास अंदर बाहर, और रेगुलर कट इसका आप 30-35 दिन में करा सकते कोई प्रॉब्लम। लेकिन पहला जो कट करेंगे वो जो फूल जब दिखेंगे आपको पर्पल कलर का जांभळ्या कलर का जो फूल दिसेल त्याच्याशिवाय कट करायचं नाही, याला आपल्याकडे घास म्हणता, मेथी घास म्हणता, लुसन घास म्हणतात, ॲक्च्युली लसूण घास म्हणायची पद्धत अशी झाली, त्याचं ॲक्च्युअल नाव लुसन आहे, LUCERNE असं काहीतरी, तर लुसन आपल्या शेतकरी बांधवांना म्हणता येत नाही म्हणून ते लसूण म्हणायला लागले, त्याचे पानं मेथीच्या भाजीसारखे दिसतात म्हणून मेथी घास म्हणायला लागले, बाकी काय प्रत्येक एरियात वेगवेगळे नावं आहेत, बस इतना ही ऐसा बहुत सारा नाम है उसका, जो जिनको जो सुटेबल लगा उन्होंने वो नाम रख दिया। बाकी 1 एकड़ में ये कितना ग्रास ग्रीन ग्रास अपनों साल में मिलता है, 1 एकड़ यानी कि 40 गुंटा, और ये 1 किलो सीड्स लगभग 3 गुंटे में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुंटे में होता है, आपको 1 एकड़ के लिए 40 गुंटे के लिए यानी कि 1 एकड़ के लिए आपको सीड्स लगेगा कम से कम 15 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जितना आप नज़दीक डालोगे उतना आपको कटिंग ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा ग्रास आपको मिलेगा, और इसका रूट्स इसका साइज़ ज़रा विड्थ कम रहता तो ये आजू बाजू के ग्रास को तकलीफ नहीं देता, ये जितना चिपक के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना जोड़ बना के ज़मीन में रखेगा और ज़्यादा दिन सर्वाइवल करेंगे। बस आपको 3 साल रखना है तो मशागत कीजिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर डालिए, लिंडी खत डालिए, जो भी कुछ हो अच्छा हो सके डालिए, अगर कुछ आपको लगे इसका हाइट बढ़ नहीं रहा यानी कि कुछ कम गिर रहा है अपने पास से तो आप 10-26 डाल सकते हैं। मे भी मुझे तो ऐसा लगता है मैं 3 साल से तो सुपर सल्फर डाल रहा एज कम्पेयर 10-26-26 में जो मिलता है वो इसमें से भी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो आप 10-26-26 से अच्छा हो सुपर सल्फर दानेदार या पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे दुकानदार को पूछ लीजिए, मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी आपका अभी सवाल रहा बस इतने ही सवाल थे, और आपको अल्फा अल्फा सीड्स लगे, अभी मौसम आ रहा है, अभी विंटर चालू हो रहा है, मे भी चालू ही हो गया, अभी चालू होने से पहले हमने 200 किलो सीड्स भेज दिए हैं अभी तक, ये सब आपकी मेहरबानी है, हम रिटेल भी करते हैं, बेचने को भी हम सीड्स देते हैं, एंड कस्टमर भी करते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी भी हम ले सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, अगर काम करना चाहते हो हमारे साथ, हमारे और सारे इक्विपमेंट भी, खस्सी चिमटा है, खुर कटर है, टैग आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट, अभी हेयर कटर आ रहा हमारा, तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, तो आपको अगर कुछ लगे तो पूजा पवार मैडम को ऑफिस को फ़ोन कीजिए 9405-1-9-9494,
ये नंबर पे। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। ये बटन नीला कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, आपके भाई के साथ ऐसे ही बना रहिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन पे सब्सक्राइब नाम आएगा वो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी आप मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।